भगवानपुर गांव में रामचंद अपने परिवार के साथ रहता था। रामचंद की शादी को 5 साल हो गया था, लेकिन उनका एक भी बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। मोहल्ले वाले के ताने और खानदान वालों के ताने और गरीबी की स्थिति उमा को बहुत तकलीफ देती थी। तभी रामचंद, उमा तुम इन 4 लोगों की बातों को लेकर अपना मन दुखी मत किया करो, भगवान है ना, सब ठीक कर देंगे। अभी मैं नारियल बेचने जाता हूँ, तुम घर में आराम से रहना और खाना खा लेना। तभी उमा कहती है, सुनिए जी, खाना तो नहीं है, मैं क्या खाऊंगी, रात ही अनाज खत्म हो गया है और थोड़ी सी दाल बची थी, उसे भी मैंने कल ही बनाया था, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं सुबह जल्दी उठकर मछली पकड़ कर ले आता, उसको तुम भूलकर खा लेती, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा है, तुम नारियल का पानी पी लेना और नारियल ही खा लेना, जब तक मैं घर ना जाऊं जैसे तैसे गुजारा करो। और ऐसे कहकर रामचंद वहां से चला जाता है। रामचंद की दुकान पर उसके गांव का लखन आता है और कहता है, भाई रामचंद, आज रात को बहुत बारिश होने वाली है, सरपंच जी ने गांव खाली करने के लिए कहा है, तुम नहीं कर रहे हो क्या, सारे लोग सामान बांध रहे हैं। अरे भाई, मुसीबत में और मुसीबत, अब मैं कहाँ जाऊंगा, सरपंच जी ने कहीं रहने की व्यवस्था की है क्या। तभी लखन कहता है, नहीं भाई, सब अपने अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। और ऐसा कहकर लखन वहां से चला जाता है। रामचंद बहुत परेशानी में आ जाता है कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम दोनों, हे प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए, और घर के लिए निकल जाता है। रामचंद जंगल के रास्ते से जाते रहता है, तभी उसे एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा कहता है, बाबा आपके पास कुछ है क्या खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। रामचंद सोच में पड़ जाता है कि घर में उमा भी भूखी है और पैसे भी आज 20 रुपए ही कमाई हुई है, अगर मैं इसे इस बच्चे को दे दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा को दे देता हूँ, आगे की देखता हूँ। बाबा आप क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं बेटा, लो मेरे पास 20 रुपए है, जाओ यहाँ से, कुछ ही दूर में एक होटल है, वहाँ तुम खाना खा लेना। जी बाबा धन्यवाद। बच्चा चला जाता है और रामचंद्र घर की ओर निकल जाता है। तभी रामचंद्र, सुनती हो कहाँ गई तुम। तभी उमा आती है, जी आप आ गए, आज रात बहुत बारिश होने वाली है, सरपंच जी ने गांव खाली करने को कहा है, क्योंकि घर भी बह सकता है और जान भी जा सकती है। तभी बाहर से आवाज आती है, रामचंद, ओ रामचंद तुमने सामान बांध ली क्या। नहीं भाई अभी नहीं बांधा है, बस कुछ ही देर में बांध दूंगा। भाई सुनो तो जरा, क्या तुम हमें भी साथ ले सकते हो क्या, क्योंकि हमारा कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में। तभी लखन कहता है, नहीं भाई माफ करना, मेरी पत्नी को तो जानते हो, भाभी जी का आज तक बच्चा नहीं हो पाया, इसलिए उसे वो मनहूस समझती है, अशुभ समझती है, इसीलिए मैं नहीं ले जा सकता। तभी रामचंद कहता है, ठीक है भाई, लेकिन एक बात अपनी बीवी को जरूर समझाना कि उसे मेरी उमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लखन शर्मिंदगी से वहाँ चला जाता है। रात हो जाती है, पूरा गांव खाली हो गया था, रामचंद और उमा भी घर छोड़कर जा रहे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी घनघोर रात में दोनों जाए तो जाए कहाँ। बारिश भी शुरू हो गई, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, तेज बारिश होने लगी। तभी उमा कहती है, सुनिए जी बारिश बहुत तेज हो रही है, हम कहाँ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, बस हिम्मत करके चलते रहो, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। दोनों आगे बढ़ते गए, उन्हें एक मंदिर मिला, दोनों मंदिर के अंदर चले गए। तभी पुजारी जी, कौन हो तुम दोनों, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो। रामचंद्र ने सारी कहानी पुजारी जी को बताया। तभी पुजारी जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम दोनों यहाँ जितना दिन चाहे रह सकते हो, और खाने की कोई चिंता मत करना, यहाँ रोज भंडारा होता है, हजारों लोग आते हैं यहाँ भोजन करने, तो तुम दोनों भी कर लेना। दोनों रात मंदिर में गुजार लेते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश रुक जा रहती है, दोनों बिना भोजन करे चिंता में गांव की ओर निकल जाते हैं कि उनका घर बारिश से टूट तो नहीं गया होता। जंगल के रास्ते से जल्दी जल्दी दोनों जाते हैं। गांव पहुंचने पर दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। सबका घर बारिश ने तोड़ दिया था, लेकिन रामचंद और उमा के घर को एक खरोज भी नहीं आया था। सब गांव वाले आकर दोनों से बात करने लगे, भाई रामचंद हम सबका घर टूट गया, लेकिन तुम्हारा घर नहीं टूटा, कौन सी मिट्टी से बनाया है तुमने अपना घर। तभी रामचंद कहता है,
जिस मिट्टी से तुमने बनाया है उसी मिट्टी से मैंने भी बनाया है। उसी वक्त सुनो सुनो सुनो, आज फिर तेज बारिश होने वाली है, आज रात फिर गांव खाली करना पड़ेगा। सब लोग परेशान हो गए क्योंकि रोज रोज रिश्तेदार भी अपने घर में नहीं रखेंगे। कोई रामचंद्र को नहीं बोल पा रहा था क्योंकि पूरे गांव ने मिलकर रामचंद्र की पत्नी को भला बुरा कहा था। किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी लखन बोला, रामचंद्र भाई, हमसे गलती हुई है, कृपया हमें माफ करो और आज रात के लिए हमारी मदद करो। लखन भाई, ये दुनिया बहुत जालिम है। जब तुम्हारे पास मैंने मदद मांगा तब तुमने अपनी पत्नी के कारण मुझे मदद नहीं दी। जितना तुमको तुम्हारी पत्नी प्यारी है, जो कि मुझे तुम्हारी पत्नी की सोच कहाँ तक है मैं अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए मैं लखन भाई और पूरे गांव वाले को सहारा नहीं दे सकता। रात हो गई है और तेज बारिश होने लगी है, बिजली कड़कने लगी है, पूरे गांव वाले बारिश में भीग रहे थे। तभी उमा, सुनिए जी, सब लोग बारिश में भीग रहे हैं, आप सबको अंदर बुला लीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है उमा, मैं बुरे स्वभाव का इंसान हूँ? मैं तो बस गांव वालों को उनकी गलती का एहसास दिला रहा हूँ, ताकि वे लोग किसी को भी बुरा बोलने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, अब अंदर बुला लीजिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। रामचंद्र सबको अंदर बुला लेता है। सब लोग उमा से माफ़ी मांगते हैं और कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी के कमजोरी पर बुरा नहीं कहना चाहिए। कब खुद पर मुसीबत आएगा पता नहीं चलेगा।